साथ वेलकम टू आज का मनाया प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। अब बजाओ छोटी ताली। आज की जो हमारी गेस्ट हैं भाई, इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट वीजेइंग से किया, यानी वीडियो जॉकी थी। उसके बाद एक्टिंग में कदम रखा तो शोहरत की बुलंदियां तय करती चली गई। है खातून बहुत ही कमाल, आपकी भरपूर तालियों में मेरी मेहमान है मदिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम मदिया, वेलकम टू असम। भाई वाह मदिया। बस बेटा थोड़ी तालियां मेरे लिए ही बचाओ। मदिया ऐसा है कि हमारे शो की रिवायत है कि जो भी मेहमान आता है वो बैठने से पहले हमें एक शेर सुनाता है। अच्छा, और मुझे शेर वगैरह बिल्कुल नहीं आते हैं। वेरी गुड, आप तो बिल्ली छोड़ दी। तो यहीं पे किसी ने मेरी मदद की और ये बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, और ये उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़े कॉन्फिडेंस के मारे होते हैं, आपके जैसे जो नहीं होते हैं। मेरे जैसे, ठीक है। तो ये मैं किस्मत का मार रहा हूं। जिनको मैं पसंद हूँ वो अपना हाथ ऊंचा करें। वाह, ठीक है। और कोई अगर हाथ ऊंचा ना करे तो उनको बोल दें तो अपना मैार ऊंचा करें। वाह वाह, अच्छी बात है। बहुत बैठे। जिनको मैं पसंद हूँ अपना हाथ ऊंचा करें, और जिनको मैं पसंद नहीं हूँ अपना मैार ऊंचा करें। वाह, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा करना ताकि मैं भी पसंद आ जाऊँ। मदिया ऐसा है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बहुत दिनों आपका इंतजार किया और आप फाइनली आप हंसना मनाए पहुंच गए। मदिया ऐसा है, शुरू से स्टार्ट करेंगे। आपने कहा कि आपको बातें करने का इतना शौक था इसलिए आपने एक्टिंग का सोचा। भाई बातें करने का शौक था तो बहुत सारे और प्रोफेशंस थे, आप सियासतदान बन जाती हैं, आप डॉक्टर बन जाती हैं। नहीं, उसके लिए काफी मजबूत होना पड़ता है। आसान काम नहीं है। अब्बा बैंकर थे आपके? माय फादर वाज अ बैंकर। अच्छा, अब जब आपने बताया कि मैं शोबिज में जा रही हूँ तो वो क्या बहुत खुश हुए, नाराज हुए या दरमियाने रहे? दरमियाने रहे, ना खुश हुए ना नाराज। देखते हैं क्या होगा। अच्छा, या वो कॉन्फिडेंस ये उनका एटीट्यूड रहा है हमेशा से, टू सी कि देखो भाई क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाएगा तो ठीक रहो, बहुत बुरा होता भी ठीक रहो। हाँ, मैंने देखा है कि अब्बा लोग जो होते हैं, मैं भी एक अब्बा हूं, वो कभी खुल के तारीफ नहीं कर सकते ना। हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम। लेकिन वो खुल के बुराई भी नहीं करते, ये भी बात है ना। खुल के नहीं बल्कि हाथ खोल के बुराई करते हैं बहुत। हाँ अच्छा मदिया, ऐसा है कि आपने 10 साल माशाल्लाह हो गए आपको होस्टिंग स्टार्ट किए, 12 साल 2010 में आपने ये आगाज किया। पहला ही शो जब आपने किया टेलीविजन के ऊपर तो आपने लाइव कर डाला। मैंने एज लाइव था क्या भाई, डायरेक्टर ने बहुत बार बोला, मुझे मनाने की कोशिश की कि मुझे लगता है कि हम एज लाइव जाते हैं। एज लाइव मतलब होता है कि गलती हो जाएगी तो हम संभाल लेंगे। मैंने कहा नहीं, आप मेरी कॉन्फिडेंस, यही वाली चीज कॉन्फिडेंस की जो आपको होती है मार। हाँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो लाइव करूंगी। और वो जो मेरे ऊपर 1 घंटा आया था, क्यों, क्या ऐसा क्या हुआ भाई? सांस नहीं लेता आदमी को लगता है कि अगर मैंने फला फला चीज नहीं बोली और किसी और की सुन ली गई और चैनल बदल गया और ताबिश आ गया तो फिर तो आऊंगी वापस ही नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो उनको काबू करने के लिए मैंने कहा सांस ना लो और ऐसे बोलो कि पीछे कोई पिस्टल लेके खड़ा है। और मेरी अम्मी कह रही थी बेटा लग रहा है कि कोई बीमारी हुई हुई है, रंग फा। तो अच्छा, लाइव कहीं लाइव का पहला एक्सपीरियंस था, इससे पहले कोई पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग थी या? नो, आई बस वो आई थिंक होम ट्रेनिंग थी। घर में हम लोग इतना बोलते थे एक दूसरे को, हम 4 बहनें माशाल्लाह बस बातें करते। अच्छा, 4 से याद आया, आपने कहा 4 बहनें तो आपने बताया, लेकिन आपने कहा मेरी 4 अम्मियां भी हैं। हम 4 बहनें मतलब मेरी 3 और बहनें और मेरी एक अम्मा है, तो मतलब 3 और जो बड़ी बहन है वो आपकी अम्मी जैसी है। मैंने कहा अब्बू बैंकर भी थे, 4 अम्मियां भी है, मतलब क्या किस चीज के बैंकर थे? सुन रहे होंगे मेरे अब्बू, क्या पता उनको आइडिया भी अच्छा। अच्छा, आपके अब्बू ने कुछ कहा मेरे बारे में? क्या कहा? अच्छा, मैं अभी नहीं बोल रही, मुझे किसी ने बोला यहाँ पे कि ना बोलें। अच्छा, शो में आखिर में जाते हुए बताऊंगी अगर मेरा मूड रहा तो। अच्छा, इतना अच्छा बोल गए ऐसा है, मैं पहला काम पहले ही कर लेना चाहता हूँ, इतनी दूर दूर से ये ऑडियंस आई है मुझे देखने के लिए, इनके पास आपके लिए सवाल आते हैं बढ़िया। देखने के लिए आए आप लोग? नहीं, मेरे लिए वो ही काफी है जी। आप मुझे क्यों नहीं देखने आई आंटी? नहीं, आपके तो मैं फैन। देखा मेरी आप क्या हैं? आला हैं। मैडम को माइक दे दे मैडम, मैं इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? मैं सोबिया जाबर। सोबिया जाबर, आप क्या करती? मैं ये कह रही हूँ कि मैं जब मुझे पता चला कि मैं आपके शो में आ रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे खुशी से नींद भी नहीं आ रही थी। अरे वाह, मुकद्दर ड्रामा जब मैं देखती थी तो मैं आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिशमंद थी। अब आप मुझे बताएं, उस वक्त आपको नींद आती थी जब आप देखते 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 आ जाती थी आपका इतना जियो का था वो? हाँ, नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, जियो का है उस ड्रामे से पैसे मिल रहे।
और इतनी प्यारी आपकी एक्टिंग और आपका स्टाइल था कि वो बहुत खूबसूरत लगता है। आपका भी बहुत प्यारा स्टाइल है, मैचिंग। थैंक यू। आपका मैचिंग। सोबिया के कैरेक्टर का क्या नाम था इनके? वहाँ पर रायमा था और इनका कपल भी इतना अच्छा लगता था दोनों का। रायमा था जबकि हाँ लायबा, लेकिन कैसल के साथ रायमा का। और मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे जो है ना बड़े शौक से देखते थे और नींद नहीं आती। हकी क्या बात है, कभी जैसे किसी फंक्शन में जाना पड़ जाता था तो मिस हो जाता था प्ले, तो हम नाइट तो फिर आप कजा देखती थी। मुझे कोई सवाल है, कोई सवाल है आपको? हाँ जी, पूछिए। अब ये पूछना था कि आप इतनी माशाल्लाह से फेमस हस्ती हैं और आपको तो जब इंसान पढ़ता है तो वो पढ़ता है इसलिए कि आपने आगे बढ़ना है, काम करना है। हाँ, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप इतना फेमस होने के बाद भी आप डिग्रियां क्यों ले रही हैं? क्यों ले रही हैं? अब ये बहुत अजीब सी बात है वैसे। इतना मशहूर होने के बाद आपने डिग्री? तो मैं इतनी मशहूर नहीं, थैंक यू सो मच। ये मत बोले कि आप मशहूर नहीं हैं, ये मत बोले, क्योंकि लोग फिर हमें कहते हैं यार मशहूर लोग बुलाया करो। मैं मशहूर हो ना हो, मुझे प्यार करने वाले बहुत प्यार बहुत, ये तो है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, जवाब देंगे? जवाब इसका मेरे पास एक्चुअली है नहीं कि अगर कोई आदमी कह रही है इतना मशहूर है तो पढ़ाई क्यों करता है। हाँ। ये तो आप मुझे बताएं। नहीं, मैं खुद अभी मैं एडमिशन लेने लगा हूँ एक और। मजाक नहीं, पढ़ाई का ताल्लुक इससे क्या है? पढ़ाई का ताल्लुक शऊर बिदार करने से। अब हम बैठ जाएं गिनने के लिए कौन कौन मशहूर है। हाँ। तो अब उनकी डिग्रियों पे तो नहीं होंगे वो? डिग्री से तो मशहूर कोई नहीं हुआ, पक्की बात है। जितनी ज्यादा, जितना बड़ा आदमी है उतना कम डिग्री है उसके पास। अगला सवाल लूंगा मैं। थैंक यू मैडम, आप बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ। दुआ क्या करती हो तुम? मैं स्टडी। वेरी गुड। कोई सवाल लाइए। हाँ जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप सबसे छोटी हैं, तो सबसे जो छोटा होता है उसको या तो घर में बहुत ज्यादा लाड मिलता है या फिर नौकर बना कर रख देते हैं। आपको क्या मिला, लाड या काम? ऐसा होता है ना, ये लाओ वो करो, ये करो पानी पिलाओ। नौकर तो नहीं बनाया मैं, मुझे नौकर ही बोलते हैं वैसे तो आके शो में आके। शख्सा हुआ ना कुछ? हाँ, शायद बनाया, शायद नौकर थी मैं एक जमाने में, लेकिन वो एक फेज होता है नौकर वाला, फिर एक वक्त पे आप राज भी करते हैं। हाँ, ये भी उसी घर पे। हाँ, जब सबकी शादी हो जाती है, जब सबकी शादी हो जाती है और आप आखिरी में बचते हैं। हाँ, ये तो ये। अच्छा, छोटे जो बच्चे होते हैं, मैं भी क्योंकि घर में सबसे छोटा था तो जाहिर बात है नौकर तो बेटा टर्म आपने बड़ी शरीफाना इस्तेमाल कर ली। गुलाम से थे होते बच्चे छोटे, छोटी गाड़ी, दोनों बनी बैठे कोने में बैठ जाती खिड़की वाली, और मैं जबकि टांगे लंबी थी मैं बीच में बैठा रहता था। तो अच्छा, मैं तो नहीं बैठती थी क्योंकि हम चार बहनें थी, तो आपके पास तो फिर भी जगह मिल गई। हाँ, चार बहनें हाँ। तो हम, ये तीनों बहनें पीछे। हाँ। आगे अब्बू चला रहे हैं, अम्मी उनके बराबर में, मेरी जगह कहाँ बची? अम्मी की गोद में? नहीं, अम्मी की गोद में नहीं, अब्बू अम्मी के बीच में क्या होता है? अरे वो ये होता है छोटा बच्चा वही बैठा रहता है भाई, आदमी परेशान कि हो क्या रहा है कि यूं करूं और फिर वहीं पे बैठते थे। अब बस लोग गाड़ी चला रहे हैं, अब बस आप, उनको पता ही नहीं है, वो अपनी धुन में लगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? जी शीजा जहां। शीजा जनाब? शीजा जहां सिंगर। शीजा जहां, वेरी नाइस। मैम शीजा आप क्या करती? जी मैं सिंगर हूं। आप सिंगल हैं? सिंगर हैं, वेरी गुड। और आप यहां सिंगल आई हैं या किसी के साथ आई? नहीं, मैं बी ए शाकिर साहब के साथ आई हूँ। बी ए शाकिर साहब, क्या आपके हस्बैंड लगते हैं? जी, वेरी नाइस। उनसे ही बात करना चाहूंगा। बी ए सर, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं। वाह, शुक्र है कोई भी कमजर्फ मेरे साथ नहीं। वाह वाह वाह, बड़ा शेर। अच्छा सर, ये बताइए बी ए सर, आप, मैंने सुना है आप दोनों गाना गाना चाहेंगे। जी जरूर। तो सर कुछ गोरी ये, मैं जाना परदे, मैं जाना तेरे नाल, माही वे ना जावी परदे, गोरी ये, मैं जाना परदे। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सारा शाह। कोई सवाल लाई? सवाल नहीं है, आपके लिए एक शेर है। अरे आप लोग बिगाड़ हैं। बिगाड़ क्या रहे हैं? नहीं, ये नहीं, लोग हैं? बिगाड़ लेगा। वेट वेट वेट, मदीहा मैम के लिए भी है, अगर
अगर उनको पंजाबी में समझ आ जाए। आप समझाएंगे तो समझा। पहले ताबिश के लिए है, फिर मदीहा मैम के लिए। आप ये देखो कि अपनाइयत देखो आप, ताबिश और मदीहा मैम। आप ये देखो आपसे, जबकि मदीहा और मेरी उम्र में 10 साल 12 साल का फर्क होगा। आप बोल देना ताबिश अंकल और मदीहा मैम। नहीं, अरे ताबिश और मदीहा मैम। जी मैम, पहले मुझे दे। ए हुसन वालो, तुम्हारे हुसन पर कोई शक नहीं। चेक करो आप, कह रहा था। ये ताबिश भाई के लिए है। ऐ हुसन वालो, तुम्हारे हुसन पर कोई शक नहीं। ताबिश भाई, आपके शो पे हम सबका हक नहीं। अरे 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 अरे, आपका हक है, आपका। आप ले गए शो घर, बहुत अच्छे, बहुत। मदीहा मैम के लिए। अब हक से मिलता का कोई लफ्ज ना हो। चूंकि आप इतनी प्यारी हैं और सबसे मोहब्बत करने वाली हैं, तो इस पे एक मोहब्बत पे मैं आपके लिए शेर है। सोने दे बूढ़ चांदी दे तस्मे। वाह। सोने दे बूढ़ चांदी दे तस्मे, मदीहा जान आई लव यू अल्लाह दी कस्मे। शेर मिक्स हो गए। अलग से। चल हाँ भाई, अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबिया अंजुम है। जुबिया, क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ। वेरी गुड। कोई सवाल लाई? हाँ जी, मेरा सवाल मदीहा से है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग करती है मदीहा। आप जैसे आपकी मम्मा माशाल्लाह बहुत उन्होंने नाम कमाया, इसी तरह आप भी कमा रही हैं। और मैंने आपका ड्रामा बहुत शौक से देखती थी। मेरी मम्मा। और मैं ब्यूटिशियन हूँ, ठीक है। और काम की वजह से मैं दिन में नहीं देख सकती थी, तो मैं रात को जाकर रिपीट में देखती थी। तो अभी भी माशाल्लाह आप बहुत यंग और बहुत स्मार्ट, मेरी तरह स्मार्ट है। तो मैं ये, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत स्मार्ट, बिल्कुल नॉट सो, और खूबसूरत भी मेरी तरह है। माशाल्लाह, इतना आपका इनोसेंट फेस है, इतने इनोसेंट फेस, सवाल हो जाता ना, मजा आ जाता। इतने इनोसेंट फेस के साथ आप इतना दुखी रोल कैसे कर लेती हैं? और आप यकीन करें, आपके ड्रामे देखते वक्त मैंने आपके लिए बहुत दुआएं करती थी, जैसे ये रियल ही है। अच्छा, मैं बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस सवाल पूछने में तालियां होनी चाहिए और जिगर चाहिए। मैडम, आपने जिक्र किया इनकी वालदा का, जो कि माशाल्लाह विदाउट एनी डाउट पाकिस्तान भाई। इनकी वालदा कौन है? कौन है? सादिया इमाम। सादिया इमाम, सादिया इमाम, मदीहा इमाम तो मैं ही हूँ। हाँ, जी जी, तो सादिया इमाम की मैंने सुना था आप बेटी हैं। मैं सादिया अंकल, प्लीज यू हैव टू इनवाइट हर ऑन योर शो विथ मी। है ना? नहीं, सादिया इमाम की बेटी नहीं है। इतना एज डिफरेंस भी नहीं है। नहीं नहीं, सादिया इमाम, अरे भाई, इमाम नाम के सारे लोग रिश्तेदार थोड़ी होते हैं। आप बाय फेस बहुत छोटी लगती हैं, तो इसलिए मैं सादिया इमाम की बेटी हूं। लेकिन वाकई आपकी बहुत ज्यादा उनसे मुशाबहत है। आपको पता है, सादिया इमाम बेटी बन थोड़ी जाएगी वो? नहीं, बेटी नहीं, उनकी बेटी नहीं, अल्लाह की कसम, उनकी नहीं। मेरी अम्मी घर पे, इनकी अम्मी घर पे, अम्मी घर पे, मेरी अम्मी के नाम पे इमाम नहीं है। जो भी है, आप उनकी बेटी है या नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए लाइफ है। आपने अगर 1 मिनट और तारीफ की, शक पैदा हो जाएगा। हकीकत बात है। अरे हाँ हाँ, अल्लाह की कसम, हमने इसीलिए तो बुलाया है। लव यू, लव यू। खुदा की कसम, मैं बताऊँ आपको, जुबिया बाजी, मैंने इनको बुलाया इसलिए, अच्छी एक्टर, वरना हम क्यों बुलाते हैं, आप खुद बताइए। हाँ हाँ, अगला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम तहसीन है। तहसीन, क्या करते हो तुम? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या? मैं MLT का डिप्लोमा कर रहा हूँ। अभी सोच सोच के कर रहे हो क्या? मैं अच्छा, इसके साथ कुछ और करते हो? इसके साथ मेरा एक हॉबी है, मैं थोड़ी बीट बॉक्सिंग कर लेता हूँ। अच्छा, करो थोड़ी सी, करो थोड़ी सी। वाह भाई वाह, तालियां।
पूजा मार दी उसने, पढ़ा हुआ माइक लग रहा है वो माइक पढ़ के दिया। अच्छा कोई लड़का है जो रैप कर सकता है? रैप? हाँ भाई आप रैप कर लेते हो? जी। तो करो। तो वो भाई बीट बॉक्सिंग करेंगे तो एक काम करो तुम दोनों इधर आ जाओ मेरे पास आ जाओ। हाँ भाई क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अदनान कंगनपुरिया। अदनान कनकपुरी? कंगनपुरिया। कंगनपुरिया और तुम अथर चल रहे हो? तहसीन। तहसीन तहसीन तहसीन। तो तुम बीट बॉक्सिंग करोगे और कनकपुरिया जो है वो करेगा कंगनपुरिया सर है? कंगनपुरिया। कंगनपुरिया ठीक है। कंगनपुरिया स्टार्ट करो बेटा यहाँ मार्केट में आ जाओ। कंगनपुर से लाहौर तक यारों की सपोर्ट है, दिल के अमीर चाहे पॉकेट में ना नोट है, मेरे अल्लाह मुझ में ना मैं आए, जितना तूने दिया मुझे उतना ही बहुत है, मुझे कहते तुम ना रैपर बन पाओगे, जितना करो ट्राई पर जीरो आओगे, लो रैप वाला सॉन्ग आज बना ही दिया, अब बोलो काके तुम कहाँ जाओगे, अब तो करूंगा मैं काके चिल, कंगनपुर में बसा है मेरा दिल, हमारे यहाँ तो सारे शेर हैं, हमसे डर के चूहे ढूंढते बिल, लाहौर के यार भी पूरे कैम है, उनका यारियों में बड़ा नेम है, किसी की मजाल क्या कोई हाथ लगा जाए, यारों के साथ खड़े जैसे पानी के लिए डैम है। वाह क्या बात है कंगन, बहुत आला बेटा, बहुत अच्छा गाया आपने। शुक्रिया शुक्रिया बहुत। दिल तो चाह रहा है तुम लोगों को इनाम दूं, बजट नहीं है बेटा ठीक है। तालियां होनी चाहिए दोनों के लिए, बेहतरीन ऑडियंस है आपके लिए, तालियां हो जाइए भाई। वाह तीनों हजरात बढ़िया, आपकी इजाजत के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लीजिए वापस आइए, असला मनाए कहीं नहीं जाएगा। मुझे रोमांटिक सीन्स ही नहीं पसंद। अच्छा क्यों? क्या जरूरत है दिखाने की भाई, ऑडियंस सोच लेगी। ऑडियंस पता नहीं क्या क्या सोच लेती है। तो सोचती है, वेरी गुड, अच्छी बात है, सोचना चाहिए लोगों को है ना। कैसे इनको जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि अगर रोमांटिक सीन दिखाना दो फूल ऑडियंस समझ लेती थी। वेलकम बैक टू असला मनाए। बढ़िया भाई सुना ये है कि आप इंटर में गालबन उर्दू में फेल हो गई, फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट पहली क्लास में। ये कौन आपको रिसर्च करके दे रहा है गलत रिसर्च? उन्होंने सही कम से कम हम सोच सकते हैं एक फर्स्ट ग्रेड का बच्चा मासूम होगा, फेल हो गया, इंटर में फेल कर दिया। अरे मैं आपका मैंने इंटर किया ही नहीं कभी, कभी ये भी नहीं किया, ओ लेवल्स किया बर्गर। हुआ ये कि मैं तो क्या ओ लेवल्स करने वाले सारे बर्गर होते हैं? नहीं यार क्या हो गया, लुक भाई चेक कर लेते ना, बर्गर चेक कर लेते भाई। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इंटर में दो बार मैथ में फेल हुआ हुआ लड़का हूँ, हमें इस बात पे कोई गम नहीं। लेकिन ये गलत बात है, जो लोग ओ लेवल्स करते हैं सारे बर्गर नहीं होते। टेस्ट कर लेता हूँ, टेस्ट है मेरे पास। अच्छा पहला लफ्ज है, आसान लफ्ज है, इस्तराब, इसका क्या मतलब? क्या परेशानी? वाह परेशानी लोगों को नहीं पता था। अरे बेचैनी होता है इसका मतलब, बेचैनी परेशानी, सही तो बोला। मैं इस्तराब की कैफियत से गुजर रहा हूँ, यानी बेचैन हूँ, एंजाइटी से गुजर रहा हूँ। You did not know this. अल्लाह की मुझे पता है, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। दूसरा अगला सवाल, उर्दू बहुत अच्छी है बेटा। अब अगर किसी ने बोला मैं यहाँ बुला के और भी सवाल पूछूंगा उससे, कोई नहीं साथ में इंटरव्यू, 3 रोजा जिस्मानी रिमांड लूंगा मैं। और बर्गर का टेस्ट हो रहा है ना, हम लोग सब इंटर वाले लड़के बैठे ही ना इधर, कौन सब ये सोच है, ये सिर्फ बिरयानी के साथ जिन्हें मिलने वाली है। अच्छा सुने अगला सवाल, मुशविश, मुशक्कत जी नहीं। अच्छा ये सिर्फ मुशविश का मतलब है वो शख्स जो तश्वीश में हो, जैसे फिकरमंद। ताविश यू आल्सो डिड नॉट नो। अरे पता है ना मुझे, मुझे पता है क्या करूं, मुझे पता है। तो अगला सवाल बोलने के लिए तो नहीं मुश्किल हो रही है, इसका मतलब आसान है, लफ्ज मुश्किल है। कनूतियत, नींद की कैफियत। कनूतियत, कनूतियत उल्टी की कैफियत। उल्टी की कैफियत, अरे नहीं भाई इस, ये पैसिमिज्म को कहते हैं, कुनूतियत, मायूसी, पैसिमिस्टिक जो आदमी होता है उसको पैसिमिज्म को कुनूतियत। पैसिमिज्म को क्या मतलब क्या है? पैसिमिज्म नेगेटिविटी, मायूसी, इस तरह की बात। अगला अच्छा ये आसान है, कौसे कजा, रेनबो वॉच भाई वाह। और आखिरी है, अब ये पता नहीं मैं सही बोलूं नहीं बोलूं, कबीदा खातिर, फिर से ये मुझे भी नहीं पता, कबीदा कबीदा खातिर, किसी के लिए दुआ गो होना,
किसी के लिए दुआ गो होना भाई वाह नहीं बिल्कुल उल्टा है परेशान होना फिक्रमंद होना कभी दाखा उस जब आप परेशान होते हैं किसी के लिए उसके लिए दुआ भी करते हैं एक ही बात है वेरी गुड आपको कुछ भी नहीं पता था तो फर्स्ट क्लास में फेल होना बनता है अच्छा ये फर्स्ट क्लास की डिक्शनरी थी नहीं नहीं ये तो फर्स्ट क्लास डिक्शनरी वैसे भी कुरैशी ने आपके बारे में कहा कि भाई हर किस्म का सीन अच्छा कर लेती है मदिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है मगर जहाँ रोमांटिक सीन की बारी आती है मदिया की मुझे नहीं पसंद है सब भाई सिर्फ फैसल भाई के साथ नहीं पसंद है या किसी के साथ नहीं पसंद नहीं मुझे रोमांटिक सीन्स ही नहीं पसंद अच्छा क्यों नहीं पसंद क्या जरूरत है दिखाने की भाई ऑडियंस सोच लेगी ऑडियंस पता नहीं क्या क्या सोच लेती है तो सोचती है वेरी गुड अच्छी बात है सोचना चाहिए तो लोगों को है ना कैसे इनको जैसे पुरानी फिल्मों में होता था कि अगर रोमांटिक सीन दिखाना दो फूल ऑडियंस समझ लेती थी हाँ ये भी बात तो है ना लेकिन अब हरियाली बची नहीं ना फूल बचे नहीं तो एक्ट्रेस सवाल करने पड़ते अच्छा मधिया ये बताइए सब छोड़िए ये बताइए तो ड्राइंग का कोई आर्ट्स का कोई शौक है भाई लोग कहते तो हैं कि मुझे शौक था अब अच्छा, नहीं है कौन है ये लोग घर वाले कहते हैं आपके रिसर्चर्स मेरे रिसर्चर ने कहा कि आपको ड्राइंग का शौक है क्योंकि भाई इंटरव्यू में पहले तो मैं बहुत झूठ बोलती थी ना कोई मुझे बोले चीजें ज्यादा अच्छी नहीं थी जिंदगी में हाँ, तो मैं कोई कहानियां बना देती थी वेरी नाइस क्या आप क्या करने का शौक है मैं कहती थी साइकियाट्रिस्ट बनने का शौक है पता नहीं वेरी न्यूरोलॉजिस्ट बनने का शौक है ऐसे ऐसे वर्ड्स के मतलब कुछ भी बोल दो बोला होगा कहीं पे मैंने ये बनने का शौक है ताकि आर्टिस्ट लगूंगा मैं फंस गई हूं आपके फंसने का वक्त आ चुका है कहां है तीनों हजरात मैं दे रहा हूं मार्कर आपको होगा ये हम खेलने वाले बनावटी यहाँ पर एक स्केच आएगा बनावा मदिया 5 सेकंड के लिए आएगा जैसे ही आएगा आप 5 तक गिनना स्टार्ट कर दीजिएगा यानी 5 4 3 2 1 उसके बाद ये गायब हो जाएगा हमारे पास होंगे 30 सेकंड्स हमने वो चीज तस्वीर ले सकते हैं अरे नहीं नहीं है तस्वीर ले सकते हैं क्या मतलब लगाओ यार ये क्या है यही है बस पेट कैसे था उसका फूला हुआ था हो गया मेरा मेरी हो गई ताबिश यू लॉस्ट नहीं नहीं 20 सेकंड होने चाहिए मेरी हो गई है चलो ठीक है स्टॉप कर दो मेरी भी हो गई है स्टॉप नहीं नहीं ताबिश दिस इज नॉट ठीक आखिरी दो लकीर कैंसिल पहले आप मैंने आप कर दिया है कर दिया मेरी बेहतर है मेरी बेहतर है मेरे आप में फैसला नहीं है और जिनको लगता है मधिया की अच्छी हो तालियां नहीं मेरी बेटर है नहीं पूछने का फायदा नहीं पूछूंगा ही नहीं मैं बजाती हूँ आपके लिए ताली बजा थैंक यू लो चलो अगला देख लो आप अगला देख एक और भी है हाँ तीन होंगे दिखाओ ओए ये तो बहुत मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है ये कौन बना सकता है मेरी हो गई मेरा हो गया अरे मैं तो पूरा लूंगा ना आप सजाओ उसको हाईलाइट करो नहीं हो गया मेरी बेटर है हाँ वैसे ये ज्यादा क्लोजर टू दैट नहीं नहीं मत बोलना ये बकरा थोड़ा कुत्ते पे गया हुआ है वो भी कुत्ते पे गया हुआ है माइन इज बेटर एक सेकंड भाई जिनको लगता है मधिया ने बेहतर बनाया होता है नहीं ताली नहीं जिनको लगता है मैंने नहीं नहीं ताबिश ये साइकोलॉजिकल है जोर से बोलो तो ताली ज्यादा बजती है यार ये आप बात सुने ये मुस्लिम लीग नून वाली हरकतें नहीं करे आवाम मेरे पीछे इनका इनका इनकी रिस्पेक्ट करें अब अगली बार आप मेरा पूछेगा पहली बार में हमेशा ताली कम बजती है अच्छा ठीक है अगली बार आप दिखाना नहीं जब तक मैं कहूंगा नहीं ठीक है दिखाओ ये क्यों ये क्या है तो वो है ये कौन है ये क्या है ये तो बन ही नहीं सकता अरे भाई मुझे थी ना बट हाँ हाँ सब कुछ था ये अरे यार ये तो बहुत गलत है यार दाढ़ी भी थी ना हाँ हाँ सब कुछ था पूरा पैकेज था नहीं आई गिव अप अरे वो लग रहे हैं अकबर इलाहाबाद ही लग रहे हैं वो इंसान तो लग रहा है ना आपका तो कार्टून लग रहा है
यार ये अभी बचपन की बात है सुबह से। अब जिनको लगता है मधिया दिखाइए प्लीज, अकबर इलाहाबादी, जिनको लगता है मधिया ने नहीं पहले अपना पूछे यार, जिनको लगता है मैंने अच्छा बनाया तालियां बजाएं प्लीज, मेरे लिए तालियां बजा दें। ऐसा होता है ना कि शूटिंग 10-10, 12-12 घंटे की शूटिंग होती है, आदमी एक वक्त आता है सुकून से बैठना चाहता है, मगर कौन सा ऐसा एक्टर है जो बातें ही करता रहता है, रुकता ही नहीं, कौन है वो? सारे ऐसे हैं, सभी बात करते रहते, थकते नहीं है लोग? कोई भी नहीं थकता। आई थिंक मैं वो एक्टर हूँ जो आप सबसे बात करती रहती, और मैं गलत वक्त पे करती हूँ, जब सब फ्रेश होते हैं बातें करना चाह रहे होते हैं तो मैं चुप होती हूँ, ठीक है, और जैसे सब निढाल होने लगते हैं, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या होता है, हाइपर हो जाते हैं लोग थकने के बाद, अक्सर ऐसा होता है लोग हाइपर हो जाते हैं कुछ, तो हो सकता है आप वो भी। लेकिन फैसल भी ये करते हैं। फैसल कौन? कुरैशी। मशहूर वाले या हमारे वाले? हमारे मशहूर है फैसल। एवर यंग फैसल कुरैशी। एवर यंग। वो हाँ फैसल भाई थोड़े से ऐसा ही सबको। ही हैज सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, वो जरूर बातें बताते हैं। शूट के दौरान आप शूटिंग कर रही थी और अर्थक्वेक आ गया था और सबको पता चला, आपको पता नहीं चला, आप सिर्फ हिलती रही हुई। मैं तो सोचती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, वैसे ये बिरयानी के हैं, जलजला आ गया, किसी ने मुझे बताया नहीं, जलजला आ गया, मैं शो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वी विल गो ऑन अ ब्रेक और वापस सब कुछ कर रही हूँ, मैं सिनेमेटोग्राफर भाग गया, डायरेक्टर भाग गया, मैं स्टूडियो में अकेले बैठी हूँ, मैंने कहीं कहा ऑडियंस भी भाग गई होगी, कौन देख रहा होगा जलजले में आपको? मैं कितनी ईमानदार हूँ अपने काम से, सबने रिलीजियस चैनल लगा लिए होंगे, आप अपना कर रही हो वहाँ पर सुनेंगे अगला गाना, और थोड़ी देर बाद जलजला खत्म हो गया, वापस कहने की अभी बैठी हुई है, खुदा का खौफ नहीं है, इस वक्त तो अल्लाह को याद कर लो, गाने सुना रही हूँ सबको। अच्छा ऐसा हुआ मधिया, हमारे मेरे तो खैर कमी है, आप लोगों में तो लाखों करोड़ों फैंस हैं, कभी कोई फैन ऐसा हो जो दिल का दर्द का सर का बुखार बन गया हो, घर तक आ जाते हैं लोग, खूनों से खत लिखते हैं? नहीं, आई डोंट नो, आई हैव ऑलवेज हैड गुड पीपल, तो माय फादर हैड एन एक्सीडेंट, अब रिसेंटली ही मेट एन एक्सीडेंट, तो मेरे अब्बू जब होश में आए तो फूल रखे हुए थे ना बहुत, मेरे अब्बू इतना खुश कि बेटियों ने फूल लाए होंगे, नहीं हाँ कि बेटियों ने फूल लाए उनके लिए फूल है, बाद में पता चला दैट देयर वाज अ फैन इन द सेम वर्ल्ड, मेरे लिए फूल रख के गए थे, बीमार अब्बू है फूल बेटी को आए, वाह अब्बू लोग तारीफ खुल के अब्बू क्या मुस्कुराते हैं दिली दिली, अच्छी है, कह रहे थे अगर इस शो पे तुम कभी गई ना तो फिर मैं मान जाऊंगा। अच्छा, अरे अंकल अब्बू कितने दिन से बुला रहे थे, मैं आ नहीं रही थी। अंकल बात सुने, अंकल बात सुने, देखो आप जज नहीं करना, ऐसा नहीं हमारे कोई बुरे दिन चल रहे, मधिया वाकई एक अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत दिनों से मधिया आपका लिस्ट में नाम था, मैं मना करे जा रहा था। मेरे अबू का दिल खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ मधिया, और जैसा कि आंटी ने कहा, हमने सादिया इमाम को भी इतनी बार कहा कि मेरी अम्मी बना दिया, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा, आप ही मुझे ईदी देना प्लीज, बकवास नहीं करो, क्यूट सी हैं आप बहुत, अगर ईदी दे दें तो मजा आ जाए, डफर हो तुम, एलिफेंट हैं आप, फिश हो तुम, गोट हैं आप, हॉर्स हो तुम। खादिर हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मनाए, मेरे साथ मौजूद है मधिया इमाम। मधिया पता ये चला कि आपको आपकी पहली तनख्वाह 25,000 रुपए मिली, इतनी बड़ी रकम का आपने क्या किया? आज तक मिले ही नहीं आपको वो तनख्वाह? नहीं, but I got some great experience from that channel. ये सब ये पता है, ये सब आपको पहनाते हैं जो पैसे देते नहीं ना? नहीं, लेकिन बाद में आपको खुद बड़े थोड़ा आप होते हैं, मैच्योरिटी आती है तो समझ आता है कि चलो यार इट वॉज गुड, उसके बाद ज्यादा कमाया। हाँ वो तो ऑफकोर्स, लेकिन 25,000 मिले नहीं आपको, जो एक्चुअल मिले वो इससे ज्यादा थे, पहली बार जब पैसे मिले क्या किया उन पहले पैसों का? सबके लिए गिफ्ट लिए थे, सब अम्मी के लिए, शादी इमाम के लिए, इधर उधर सबके लिए, सबके लिए गिफ्ट लिए, सब खुश हुए। अब्बू ने सभी कहा हाँ ठीक है, ये कलर कौन सा ले आई, ऐसा तो नहीं कहा? नहीं नहीं, अब्बू वाज हैप्पी। अच्छा करेंगे ये एक गेम खेलेंगे आपसे, गेम का नाम है हुरूफ-ए-तहज्जी यानी अल्फाबेट्स, आएंगे ये नाम उर्दू में मगर अल्फाबेट्स इंग्लिश के आएंगे, हम एक कॉन्वर्सेशन करेंगे, हम दोनों कोई कैरेक्टर बनेंगे और कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, जो पहले बोलेगा वो ए से स्टार्ट करेगा, दूसरे वाले ने फिर बी से कुछ जुमला स्टार्ट करना है, फिर सी से, फिर डी से, ई से, एफ से, और हम जेड तक जाएंगे, ठीक है? सिचुएशन ये है कि हम दोनों अभी न्यू कमर्स हैं इंडस्ट्री में। सिचुएशन पहले से आपको क्यों पता है? तो आप बता दो। मैं बताती हूं। आप इसीलिए मुझे पहले से पता होती है, प्रिपेयर करके आते हो ना, इसीलिए शो अच्छा चलता है। एक काम करते हैं, सिचुएशन नहीं अभी नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, अभी लाजिल हुई है, ईद का मौसम है, आप आइए, मैं हूं दर्जी, आप आइए कपड़े आपके, मैंने कुर्बानी वाली ईद है,
नहीं नहीं हाँ कोई सी भी ईद है कपड़े तो दोनों में सिलने हैं। मैं टेलर के यहाँ नहीं जाती कुछ और। तो मैं नाई हूँ। तो मैं नाई के यहाँ क्यों जाऊँगी? तो मैं कौन हूँ भाई, मेरा को बेरोजगार हूँ। ईद के दिन ईदी लेने, मुझसे ईदी निकलवानी है, मैं बाजी हूँ। मैं बाजी हाँ, मैं वगैरह काम करता हूँ। ईदी निकलवानी काम नहीं करते हो भाई, बाजी हूँ मैं, मतलब बड़ी हूँ। अच्छा बच्चे हो तो ठीक है, मैं बच्चा हूँ। अब मुझसे ईदी निकलवानी है, मैं ईदी देती नहीं। आप ही मुझे ईदी देना प्लीज। बकवास नहीं करो, क्यूट सी हैं आप बहुत, अगर ईदी दे दें तो मजा आ जाए। डफर हो तुम, एलिफेंट हैं आप, फिश हो तुम, गोट हैं आप, हॉर्स हो तुम। इतना भी क्या जिद करना, आप ही ईदी तो है। जलते हो तुम मुझसे, ईदी मांग रहे हो। काश मैं जलता होता आपसे, मैं आपसे प्यार करता हूँ बाजी। लो मैं नहीं देती ईदी, मान जाए ना आप ही। नहीं 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 मैं नहीं मान सकती। ओ आप ही पिटोगे मुझसे? कारी साहब भी मारते हैं, आप भी मारती हैं। रुखसत होके चली जाऊंगी ना, फिर याद आऊंगी। शादी की बातें बाद में करेगा हर वक्त, आप शादी की बातें करती रहती हैं, कभी ईदी की बात भी किया करें। ईदी दे मुझे बात। तुम मानोगे नहीं? अंदर की बात बताऊं, आप बहुत खराब हो। वेले हो तो डब्ल्यू से होता है वेला। एक्स एक्स से भी लिख सकते हैं वेला। ये क्या बात हुई, चीटिंग है ये तो, जलील इंसान। यार माया में आपने काम किया, फिल्म इतना अच्छा नहीं कर पाई, मगर हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इंडिया से ऑफर आई, कैसे उन्होंने बुलाया, हाउ डिड दे ट्रीट यू वहां पर? दे ट्रीटेड मी रियली वेल, और जिस चैनल में मैं काम करती थी उसी की क्लिप देखी थी, तो वहीं से उन्होंने देखा कि ये लड़की है एंड शी इज गुड एज टू व्हाट द कैरेक्टर दे वांटेड, और अप्रोच किया, फिर मैं गई। इट वाज वेरी गुड। अच्छा वहां पर गई तो, अच्छा जैसे इंटरेक्शंस में कोई ऐसा लगा कि आउट ऑफ होम है या होमली थी? दे वेरी नाइस, बहुत ख्याल रखा, बहुत मजा आया, बहुत खिलाया, मोटी होके आई थी मैं। अच्छा टाइमली काम होता है या हमारी तरह यही है कि पड़े रहते हैं या लाइटें सही नहीं है अभी टाइम वो वहां नहीं, सेम चीजें होती हैं, अगर कोई डिले होना है तो उस तरह का उसी तरह के डिले। हां हां, और नेचर ऑफ वर्क भी उस तरह से वो लोग हैंडल करते हैं, हम लोग भी काफी अच्छे से करते हैं। अच्छा मधिया भाई, वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक और गेम खेलें। इस गेम के गिफ्टिंग पार्टनर हैं फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है, कैसा भी करेंगे साथ जाए। ठीक है, गेम का नाम है नजरबंद। नजरबंद में हम करेंगे ये, आपको ये ठंडा मीठा ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे। मुझे मेकअप है मेरा, सबके होते हैं, जो जो यहाँ आया बगैर मेकअप के कोई भी नहीं आया। क्या ना पता, पहनना है सर, पहनना, तस्वीर लगाओ बेटा, तस्वीर। मधिया चीज लग चुकी है। मुझे कोई वो अच्छे वो चाहिए हिंट्स। हाँ हाँ बहुत अच्छे हिंट, सवाल तो पूछिए। सब मुझे पूछना है, क्यों? आपने पूछना है क्या ये इंसान है, जानवर है, क्या है? जानवर है। जानवर, जानवर है। बहुत खुश है। खुश है, बहुत खुश। ये तो नहीं है एवरी ह्यूमन इज एन एनिमल। नहीं नहीं ये मैं क्यों कहूंगा, असली में जानवर है ना। हाँ, जानवर खुश है। खुश है। और रंग क्या है? बाल तो काले वैसे ब्राउन है। बाल काले वैसे ब्राउन, बाल काले और ब्राउन। मुर्गा? मुर्गा नहीं, स्किन ब्राउन है। स्किन ब्राउन है बहुत, और बहुत शबात सी आ रही है किसी में। तो इसको दूध पिलाते हैं? हाँ हाँ हाँ। मैमल है? मैमल है। दो हाथ दो टांगे दो कान एक नाक दो आंख। सहरा में होता है? सहरा में नहीं होता, कोई ले जाए तो चला जाएगा, खुद से कभी नहीं गया। कराची में पाया जाता है? कराची में तो अब है ही, कराची बहुत है। क्या इनके काटने से किसी इंसान को तकलीफ हो सकती है? अरे भाई अजय देव, काटने से तो किसी के भी इंसान को तकलीफ हो सकती है। अभी आने वाली न्यूज में थोड़े से पहले आया था कि नहीं वो नहीं है। अच्छा ऐसा है कि हाँ, पेड़ पे बैठता है? पेड़ पे बैठ जाता है। पेड़ पे बैठ जाता है? पेड़ पे बैठ जाता है। पेड़ पे बैठ जाता है तो फिर पेड़ पे क्या क्या बैठता है? चील, कौवा। अदरक का स्वाद इसको नहीं पता। अदरक का स्वाद कौन क्या जाने? अदरक का स्वाद कौन क्या जाने? अदरक कौन है? क्या होता है वही तो। कौन क्या जाने अदरक का स्वाद कौन? ये तो मुझे पता ही, कौन पता है, ये भूल गई हूँ मैं। गीदड़ क्या जाने अदरक? गीदड़ है? गीदड़ नहीं है, गीदड़ नहीं। नहीं यार कौन क्या जाने अदरक? वो है ना, वो तो गीदड़ के ऊपर। मैना नहीं 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 मैना यार भाई, मैना नहीं मैना। और बताओ ताबिश। बालों में? बालों में क्या है? अगर
इसको बालों में अगर जुए पड़ जाए हाँ। तो ये उनको पड़ जाते। बंदर 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 इज द राइट आंसर। अभी रुके, अभी एक और है, एक और है, एक और है। बंदर क्या जाने अदरक, इतने मुहावरे है ना। हाँ। अभी तो हिंट दी, इतनी बड़ी हिंट दी थी, खुदा का खौफ। आ गया भाई दूसरा, आ गया क्या? अल्लाह अकबर, क्या हो चुका है नेशनल मीडिया को? इंसान है नहीं, जानवर नहीं, चीज है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। रंग क्या है? रंग तो किसी भी रंग में आ जाती है, नीला पीला काला, नीला पीला काला, बहुत सारे में तो बहुत सारे। इस्तेमाल क्या है? रोकना, रोकना। बहुत चीजें इसने रोकी है। दूसरा, ये खोल के इस्तेमाल करते, खोल के इस्तेमाल करते, टिकटॉक। क्या? टिकटॉक। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या क्या? टिकटॉक। टिकटॉक, टिकटॉक किस चीज से रोकता है आपको? आपको बुराई से, टिकटॉक बुराई से रोकता। वाह मदिया वाह, ये वो आपको अच्छे काम करने से रोकता है। पर्दा आंखों पे पड़ा है या अकल में पड़ गया है? और अच्छे हिंट्स दो, बुरे हिंट्स दे रहा हूं। अच्छे हिंट देता हूं, बहुत फिल्मों में इसका काम आया है। फिल्मों में? कैमरा? कैमरा नहीं, कैमरा मोबाइल। तो क्यों नहीं मारे मदिया? देखिए ऐसा होता है, ये दो लोगों को करीब भी लाता है कि एक के पास हो एक के पास ना हो, दोनों करीब आ जाते हैं। एक के पास हो एक के पास, एक मिनट एक मिनट। कभी कभी इस्तेमाल होता है, रोज नहीं। अब ऐसा नहीं रोज इस्तेमाल कर लिया, कभी कभी जब मौका हो, मौका हो ऐसा है। इसको अक्सर लोग पकड़ते हैं और घुमाते भी रहते हैं, स्कूल भी लेके जाते हैं तो दफ्तर भी ले जाते हैं। बैग? बैग नहीं, नहीं। अम्ब्रेला? कौन था ये? कौन था ये? होता है अच्छा हिंट। बहुत आपने कमाल कर दिया, तो मुझे आ ही नहीं रहता दिमाग में। ये होता है अच्छा हिंट, ये होता है वो हिंट जिससे कंटेंट ना निकल पाएगा। मदिया तालियां बजाए मदिया के लिए भाईजान। मदिया थैंक यू, ये आपके साथ जाएगा, मैं यहाँ रख देता हूँ इसको, नीचे रख देता। नहीं, नहीं। बहुत अच्छा खेला मदिया आपने, इतना कमाल खेला आपने। अगर बच्चे हिंट ना देता जिंदगी भर ना पहुंच। लेकिन इसको खोल आपकी हिंट्स ही ऐसी हैं। जी नहीं, इसको खोल के इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ रंगों में आता है, ये पानी से और धूप को रोकता है, ये दो लोगों करीब इस तरह लाता है, आप खड़े हो छतरी में पानी के अंदर, कोई एक मासूम। और मीडिया पे क्यों दिखाया जाता है जो लोगों को खराब किया? हिंट नहीं थी वो, तो मैं ऐसी आवाजें निकाल रहा था कि यार देखो मीडिया पे क्या क्या दिखा रहे हैं। उसने कह दिया मौसमी खराबी में, तो आपने फौरन बता दिया, इसलिए मैं वो हिंट नहीं दे रहा था, पहली हिंट में चला जाता ना। थैंक यू, थैंक यू बेटा आपने। मैंने पढ़ा आपके बारे में, जो हमारी रिसर्च टीम ने निकाला कि आप जब भी किसी से मिलती हैं, पहली बार जब मिलती हैं तो जज करती हैं कितना स्मार्ट है, तो आप कैसे जज करती हैं? बातें करने के बाद। तो कैसे पता चलता है कि मैं स्मार्ट हूँ? आप स्मार्ट है, छोड़ दो। थैंक यू, तो यही सुनना चाह रहा था, मुझे और कोई ऑप्शन भी नहीं था आपके पास मदिया, लेकिन थैंक यू सो मच, आप हंसना मनाए में आई, आपके आने की वजह से शो का एक एपिसोड बन गया। मदिया ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई होप यू एंजॉयड द शो। आई डिड। आप घर जाइएगा, एक तो अंकल को सलाम दीजिएगा, दूसरा सादिया इमाम को सलाम दीजिएगा। बिल्कुल दूंगी। पर मदिया जाने से पहले हम करते हैं कमाल की बात, आज ही कमाल की बात है, और ये है कि यू कांट गो बैक एंड चेंज द बिगिनिंग बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। यानी कि आप अपने पास्ट को तो चेंज कर ही नहीं सकते, मगर आज से अगर आप कुछ चीज तब्दील करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई पछतावा है, कोई रिग्रेट है, तो लेट नहीं, आज ही से उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, और कल तक इंशाल्लाह आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। घड़ी में बज रहे हैं 11:55। मदिया यूजुअली रात के 11:55 पे आप क्या करती हो? ये शो देख रही होती हूँ। 11:55 पे शो खत्म हो जाता है मदिया? उठ रही होती हूँ, उठ रही होती हूँ शो देख कर। खवातीन हज़रात आप भी उठिए और उठकर बिस्तर में जाइए, सीधा सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।